श्री साई सच्चरित्र के चौथे अध्याय की कथा में हम देखेंगे श्री साई बाबा का शिरडी में आगमन, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साई बाबा का व्यक्तित्व, श्री विट्ठल का प्रकट होना, दासगणों का प्रयाग स्नान और तीन वाड़े। अहमदनगर जिले का गोदावरी तट बड़ा ही भाग्यशाली है। गोदावरी नदी को पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। शिरडी अहमदनगर जिले के राहता तालुका में है। श्री साई बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया है। श्री साई बाबा ने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसको पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान के साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव ही वह आश्रय पाते थे। उनका हृदय शीशे के सदृश उज्जवल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते थे, तरह तरह के लोगों से मिलजुल कर रहते थे। नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखकर और गजल कव्वालियां भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग ना होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके ओठों पर था। जब दुनिया जागती थी तो वे सोते, और जब दुनिया सोती थी तब वे जागते थे। उनका अंतकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। न उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था और न उनकी कार्यप्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु संपूर्ण विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही कुछ निराला था। वे सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा मध्याह्न और सायंकाल लेंडी और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने जाते थे। बाबा स्वतः सिद्ध होकर वे साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुखी पहुंचाया। ऐसे थे श्री साई बाबा, जिनके श्री चरण स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई, उसका महत्व अनन्य साधारण हो गया। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य है कि जिन्हें श्री साई चरण रजमस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगणों को शिरडी दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, काशी, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण, महाबलेश्वर बन गई है। श्री साई का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिनके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन हो गया तो योग साधना तथा वर्तमान लाभ करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी प्रयाग का स्नान करने समान था तथा चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाएं तृप्त हो जाती थी। गौली बुआ की कथा। लगभग 95 वर्ष के एक वयोवृद्ध भक्त थे, जिनका नाम गौली बुआ था। पंढरी के वे एक वार करी थे। वे 8 मास पंढरपुर तथा 4 मास गंगा तट पर निवास करते थे। सामान ढोने के लिए वह एक गधे को अपने पास रखते थे और एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वे प्रतिवर्ष वारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री साई बाबा के दर्शन करने शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा को एक टक निहारते और अचानक ही कह उठते थे, ये तो श्री पंढरीनाथ विट्ठल के अवतार है, जो अनाथनाथ, दीन दयालु और दीनों के नाथ हैं। गौली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंढरपुर की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साई बाबा सचमुच पंढरीनाथ है। विट्ठल प्रकट होने की कथा। श्री साई बाबा ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष रुचि रखते थे।
वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते थे तथा भक्तों को कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इन्हें नाम सप्ताह भी कहते थे। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से कहा, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का क्या आश्वासन है कि सप्ताह के अंत में विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रभावित होगा तो विट्ठल स्वयं प्रकट होंगे। सप्ताह के बाद विट्ठल प्रकट हुए और वो ऐसे हुए, काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने बैठे तो उन्होंने ध्यान में विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना, वे बहुत चंचल है, उनको दृढ़ता से पकड़ लो, यदि थोड़ी भी असावधानी की तो वे बच के निकल जाएंगे। यह प्रातःकाल की घटना थी और दोपहर के समय में पुनः 1 बजे के पश्चात उन्हें उनके दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के चित्र लेकर वहां बेचने आया। यह चित्र ठीक वैसा ही था कि जैसा चित्र काका साहेब दीक्षित को ध्यान में दर्शन देते हुए हुआ था। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों को स्मरण करके काका साहेब को बड़ा विस्मय हुआ और प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस चित्र की एक प्रत खरीद ली और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। दासगणों के प्रयाग स्नान की कथा। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग स्नान प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं की ऐसी भावना है कि वहां स्नान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक वर्ष वहां सहस्र भक्तगण जाते हैं और वहां स्नान करने का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणों ने भी वहां जाकर स्नान करने का निश्चय कर लिया। इस विचार से वे बाबा से आज्ञा लेने के लिए उनके पास गए। बाबा ने कहा, इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही ही है, मुझ पर विश्वास रखो। और अचानक एक महान आश्चर्य हुआ। जैसे ही दासगणों ने बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखा, तभी बाबा के चरणों से गंगा और यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणों का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। उनकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी और उनके मुख से श्री साई बाबा की स्तुति सुनने प्रभावित होने लगी। श्री साई बाबा की शिरडी में प्रथम आगमन की कथा। श्री साई बाबा के माता पिता तथा उनका जन्म और जन्म स्थान के बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। इस संबंध में बहुत छानबीन हुई। स्वयं बाबा से भी बहुत लोगों ने इस विषय में पूछताछ करने की कोशिश की, परंतु कोई संतोषप्रद उत्तर न मिला। बाबा एक दिन शिरडी में अचानक नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की आयु में तरुण अवस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए। उस समय वे संपूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लोड़ती थी। शिरडी गांव की एक वृद्ध महिला नाना साहिब चौकदार ने उनका वर्णन इस प्रकार किया है कि एक तरुण स्वस्थ पूर्तिला तथा अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी व गर्मी की उन्हें तिनिक मात्र भी चिंता न थी। उन्हें इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में वे किसी से भेंट नहीं करते थे और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमते थे। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते थे कि ये युवक कहां से आया है। उनकी बनावट तथा आकृति इतनी सुंदर थी कि एक बार देखने मात्र से ही लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। वे सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे और किसी के द्वार पर न जाते थे। यद्यपि ये तो युवक देखने में प्रतीत होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के सदृश था।
वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। लोगों के बहुत पूछने पर उन्होंने बताया, नीम के पेड़ के नीचे उनका गुरु का स्थान है। जब वह स्थान पूर्णता खोदा गया तो वहां एक पत्थर के नीचे ईंटें पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखा जहां पर चार दीप जल रहे थे। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था। वहां गोमुखी आकार की इमारत थी। लकड़ी के तख्ते, मलाई आदि दिखाई पड़े। बाबा ने लोगों से कहा, ये मेरे गुरु का स्थान है और ये भूमि मेरे लिए बहुत पूजनीय है। उस नीम वृक्ष के नीचे अब हम उस स्थान को गुरुस्थान कहकर बुलाते हैं। तीन वाड़ों की कथा। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने मोल ले ली और उस स्थान पर एक विशाल भवन की निर्मिति हुई जिसका नाम साठेवाड़ा रखा गया। बाहर से आने जाने वाले यात्रियों के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र विश्राम का स्थान था जहां बहुत भीड़ लगी रहती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर एक चबूतरा बांधा गया। कहा जाता है कि जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को वह धूप अगरबत्ती सुगंधित पदार्थ जलाते हैं वे ईश्वर कृपा से सदैव सुखी हो जाते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरे वाड़े की निर्मिति हुई जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहेब दीक्षित जो कि एक कानूनी सलाहकार थे, जब वे इंग्लैंड में थे तब किसी दुर्घटना में उनके पैर को चोट आ गई। उन्होंने बहुत उपचार किए परंतु उनका पैर ठीक न हो सका। नाना साहेब चांदोरकर जो कि उनके मित्र थे, उन्होंने उन्हें बाबा के कृपा आशीर्वाद लेने का परामर्श दिया। इसलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि वे स्थायी रूप से शिरडी में ठहरने का उन्होंने फैसला कर लिया। इसी कारणवश उन्होंने इस वाड़े की निर्मिति की थी। इस भवन का शिलान्यास दिनांक 9/12/1910 को किया गया। इसके बाद एक और वाड़ा मानो शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बुट्टी ने बनवाया। इस भवन की निर्मिति में बहुत धनराशि लगाई गई और उनकी यह समस्त निधि सार्थक भी हो गई क्योंकि बाबा का शरीर अब वही विश्रांति पर रखा गया है और फिलहाल वही वाड़े को हम समाधि मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक विशाल बगीचा था जिसमें बाबा स्वयं पौधे सींचे थे और उसकी देखभाल करते थे। जहां पहले एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी वहां तीन तीन वाड़ों की निर्मिति हो गई। बाबा की अगले अध्याय की कथा में श्री साई बाबा चांद पाटिल की बारात में पुनः आगमन की कथा और बाबा को साई नाम से संबोधने की कथा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इस कथा को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साई बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साई राम।